तो भाई आप देखने लाग रहे हो एच आर धमाका न्यूज और मैं आपका अपना देशी पत्रकार मंजीत चौहान रतेरिया। तो सारे दर्शकों ने राम राम भाई। फिलहाल जो ही अपना सामने देखो भाई अम्बाला तक कुछ साथी जुड़े हैं राजपूत समाज के जो आज महाकुंभ के अंदर जो है यहाँ पहुँचे हैं, तो उन तक बात करांगे। तो भाई एक बार तो सारे दर्शकों ने राम राम कर दे। राम राम भाई, और आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को राम राम। तो आज मतलब यहाँ पहुँचे हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग देखने को मिले आपको? देखो आप कार्यक्रम के बीच में थे, आपने भी देखा बहुत भारी संख्या के बीच में आज राजपूत समाज यहाँ पे पहुँचा है और अपनी बात उन्होंने समाज की यहाँ पे रखी। तो मतलब बात है ये बाबा मैन मुद्दा पा जाऊँ भाई, जो देखने में मिला है जो मूर्ति अनावरण को लेकर के जो इस पर एक जातिवाचक शब्द लिखा गया है उसके ऊपर जो है राजपूत समाज काफ़ी जो है रोष में देखने को मिला है, तो उस पर आपका क्या कहना है? महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, वो किसी एक विशेष जाति में जरूर जन्म लेते हैं, हम उनको जातियों में नहीं बांध सकते। अभी यहाँ पे पीछे सी क्षत्रिय सम्राट मीरभोज जी की मूर्ति लगाई गई और उनको एक जाति सूचक शब्द में बांध दिया गया, जबकि आप इतिहास उठा के देखो कि वो एक स्थानवाचक शब्द है, जातिवाचक शब्द नहीं है। और इसी उसको लेकर के पहले भी 19 तारीख को यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था और उसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा क्षत्रिय समाज की आवाज़ को दबाने का काम किया गया था और यहाँ तक कि युवाओं के ऊपर लाठियां बांधने का भी काम इस सरकार और प्रशासन ने किया था। उसी उसको लेकर के अब सारा क्षत्रिय समाज एकत्रित हुआ और पूरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश जितना भी है, उत्तर भारत के अंदर सारे के सारे क्षत्रिय भाई यहाँ पे पहुँचे, अलग अलग संगठन यहाँ पे आए और अपने समाज की यहाँ पे बात रखी है। तो भाई साहब जिस प्रकार देखने में मिला है, तम तो जो है सरकार का विरोध करने लाग रहे हो भाई, इस पर जाति व महिर बोझ के ऊपर जो जातिवाचक शब्द लगा दिया गया है उसका विरोध करने लाग रहे हो, और आपके राजपूत नेता ही पार्टी के अंदर जो है बैठ के आपके लिए बोल नहीं रहे कुछ भी? देखो ये हमारे लिए भी एक दुर्भाग्य की बात है कि जो नेता हमने चुन करके समाज को एक सीढ़ी बना करके बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाके बैठे और वो आज इस समाज की लड़ाई में अपने महापुरुष तो उनके भी हैं, समाज सबका है, इतिहास सबका है, महापुरुष सबके हैं, आज कहीं ना कहीं वो कानों में रुई लगा के बैठे हुए हैं और आने वाले टाइम में ये क्षत्रिय समाज उनको भी सबक सिखाने का काम करेगा। जो समाज के साथ खड़ा है समाज उनके साथ खड़ा है। रही बात सरकार की, ये जो सारा प्रकरण हो रहा है इसको सारा संरक्षण ये भाजपा सरकार इनको दे रही है और इसी के संदर्भ में ये सारा का सारा कार्रवाई हो रही है, इसलिए सारा क्षत्रिय समाज भाजपा के खिलाफ है और आने वाले 2024 के चुनाव में इनको जो है सबक सिखाने का काम करेगा। भाई ये भी जो है यहाँ पर भी हमने जो है ना स्टेज के ऊपर भी देखने में मिला है, जहाँ आप भाजपा भाजपा की बात करो, जो आपके कांग्रेस पार्टी के अंदर राजपूत नेता है वे कहाँ थे भाई इस पार्टी में? वे भी तो नहीं थे। जो भी नेता हमारे, तो पीछे से आपने देखा होगा गांव-गांव में बोर्ड लगा दिए कि किसी भी राजनीतिक दल को गांव के अंदर जितने भी राजपूतों के गांव हैं भी यहां पे इनको कुछ नहीं दिया जाएगा और ये आपको 2024 में जब चुनाव होंगे किसी भी पार्टी को वहां नहीं आने दिया जाएगा। जिस तरह से आज विपक्षी भी चुप बैठे हैं, वोटों की ज़रूरत तो उनको भी है, कल उनको भी सबक सिखाएगा समाज। हाँ भाई कौन ही आंदे, मतलब जो आपके कांग्रेस के नेता है वे भी तो कौन ही आंदे मैदान में? उनको भी गांव में बिल्कुल ही एंट्री बंद कर दी गई है उनकी, सभी की उनका सभी तरह से गांव में पूरा जोर विरोध किया जाए। तो इसमें जो है मेन साजिश रही है, वो मेन साजिश किस? मेन साजिश बीजेपी सरकार की रही है जो सत्ता में इस टाइम शामिल है, और इसमें यहाँ के कैथल प्रशासन के जो बीजेपी हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, उनका भी इसमें अहम योगदान है। तो भाई इस टाइम फिलहाल जो है आप देख सको हो राजपूत समाज जो है बीजेपी सरकार से कितना नाराज है, और आपने एक फिल्म वहाँ देखी होगी कर्ण अर्जुन, जिसमें बोलते हैं भाई ठाकुर तो गियो, तो भाई की बार तो मनोहर तो गियो, गयो जी गयो। ये तो बिल्कुल सत्य है कि आज देखो इतना बड़ा यहाँ पे एक आयोजन किया गया और अगर अब भी प्रशासन की कान नहीं खुले, आंखें नहीं खुली, तो ये बात पक्की है कि कट्टर तो गए। तो भाई जिस प्रकार लोगों की नाराजगी देखने में मिला है उससे प्रकार जो है ना हम वो आपको बताऊँ भाई, इसमें मनोहर मनोहर नहीं, इसमें तो मोदी भी गियो, क्यों भाई? सही बात है जी आपकी, बिल्कुल सही बात है, मोदी का ही और RSS का इसमें प्रमुख योगदान है जो आज ये राजपूत समाज के साथ ये हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है जो। तो भाई फिलहाल दर्शकों तो मैं ये कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, जय राज।